हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास टेंथ की एपी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है। तो आज देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बोलता है फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट ओड पॉजिटिव नंबर। तो टू डिजिट के जितने भी ओड पॉजिटिव नंबर हैं उनका सम निकालिए। तो जो टू डिजिट में सबसे पहला जो ओड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो है 11, फिर दो दो का डिफरेंस रहेगा, इस तरह से 99 तक में ये एपी जो हमारी जाएगी। तो इसका सम निकालना है। तो देखिए, मैं लास्ट टर्म तो पता है, तो सम का जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये कि n अपॉन टू ब्रैकेट a प्लस l। लेकिन हमें इसमें a पता है, ये हमें दे रखा 11, l ये लास्ट टर्म हो गई, लेकिन n नहीं पता। तो इसमें हम n निकालेंगे, तो n के लिए फॉर्मूला जो लगेगा वो पहले हमें nth टर्म जो हमारे लिए 99 ही होगी, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पर यही है। तो इसको खोलेंगे तो ये खोलेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 99। ए हमें दे रखा है इसमें 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी हो जाएगा 13 माइनस 11 जो कि बनेगा प्लस टू इज इक्वल टू 99। इस साइड जाएगा तो एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू हो जाएगा 99 माइनस 11 जो कि बनेगा 88 के। अब ये टू मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 88 अपॉन में 2 जो कि बनेगा 44। अब माइनस वन इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n हमारे पास हो गया 44 प्लस 1 जो कि बनेगा 45। तो अब हमें देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 45 है। तो जो सम बनेगा इसमें वो n अपॉन टू ब्रैकेट a प्लस l। तो n हमारे पास कितना है, 45 अपॉन में 2 ब्रैकेट a प्लस एल। तो ये हो जाएगा 45 अपॉन टू और 99 प्लस 11 हो जाएगा 9 × 10 और ये 110। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10 तो बनेगा 45 × 55। अब 45 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आएगा 2475। तो ये फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और किसी और क्वेश्चन में भी आपको वीडियो चाहिए होंगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।